नमस्कार। और आप देखें पल पल, कांग्रेस को अपने ही लोगों से झटके पर झटके मिल रहे हैं। इन दिनों कांग्रेस की हालत उस बस की तरह हो गई है जिसमें सवारियों के स्थान पर वो खाली है, मगर उसे गंतव्य की ओर तो जाना ही है। जी हाँ, फतेहाबाद में प्रदेश महासचिव टेकचंद मिड्डा, प्रदेश सचिव सुभाष बिश्नोई सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने कांग्रेस को आज अलविदा कह दिया। फतेहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि सेटलमेंट करके कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है वो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। फतेहाबाद जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ करेंगे चुनाव प्रचार। हम कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में निर्दलीय उम्मीदवारों की करेंगे मदद। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आज कांग्रेस के फतेहाबाद में कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। कुछ दिन पहले युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने भी पार्टी को अलविदा कहा था। अब प्रदेश स्तर पर कई नेताओं द्वारा पार्टी को अलविदा कहे जाने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद सिंह गिलाखेड़िया की हालत बेहद खराब हो चुकी है। पार्टी छोड़ने वाले प्रदेश महासचिव टेकचंद मिड्डा ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर ने उनकी टीम का काम किया था। पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करती थी। अब मजदूरी का फल देने का जब समय आया तो हुड्डा ने अपनी मनमर्जी करके टिकट वितरण किया है। मिड्डा ने कहा कि आज यहां एकत्र हुए सभी साथी कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले से नाराज हैं। इसलिए हमने फैसला लिया है कि पार्टी छोड़कर कांग्रेसी उम्मीदवारों का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बलजीत सिंह बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रह करके हम पार्टी के अंदर रह करके विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए पार्टी को छोड़ करके हमने खुलेआम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध करने का फैसला लिया है। वहीं बेनीवाल ने कहा कि फतेहाबाद की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का पुरजोर से विरोध किया जाएगा और पूरे हरियाणा भर में जहां पर भी मनमर्जी के कैंडिडेट उतारे गए हैं वहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन करके कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने का काम भी किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस से आज इस्तीफा देने का जो आज हमारा मकसद था कि इन्होंने जो है सभी को जो है इग्नोर किया, ऊपर जो हाईकमान बैठी है नज़रअंदाज किया हमारे ऊपर। काम तो हम करते रहे और जो उसकी मजदूरी थी वो किसी और के खाते में डालते रहे। 5 साल तक हमने पुण्यतिथि जन्मतिथि कहीं धरना कहीं प्रदर्शन कहीं रैली कहीं जलसा जुलूस सारे कार्य जो है, ये जो इतने मेरे साथी हैं, कोई सेक्रेटरी हैं, कोई ओबीसी सदस्य हैं, कोई प्रधान है, कोई पूर्व प्रधान है, सभी ने एकजुटता के साथ कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। और जब टिकटों का बंटवारा आया है तो उस समय जो आज तक किसी कार्य में किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए उन लोगों को टिकटें थमा दी गई हैं। क्या लगता है आपको हाईकमान ने ये फैसला लिया है, छूट दी है, किस नेता की वजह से ऐसा हो? अब बहुत सारों को पता ही है, सभी आप मीडिया वालों को याद ही है कि हुड्डा साहब ने और ऊपर जो गुलाम नबी आज़ाद है उन्होंने ये मिल के ये कार्य किया। जैसे हमारे पूर्व प्रधान भाई बता रहे थे कि हिसार जिले के अंदर भी स्वीत्री जिंदल और इधर से नरेश सहलवाल और जैसे फतेहाबाद से है हमारे नाम थे, किसी आदमी को जो है इन्होंने टिकट ना दे करके ये जो है कार्य किया। इससे सभी का जो है सामूहिक फैसला हुआ कि आज जो है हमने कांग्रेस से इस्तीफा देना है और जिनको इन्होंने टिकटें दी है उनको ये ऊपर जो बैठे हुए लीडर है एसी में बैठ के फैसला करते हैं उनको जिताने का काम करें, देखेंगे इनकी क्या उठाना पड़ेगा, पूरा उठाना ही पड़ेगा। रणनीति क्या, किसी पार्टी से जुड़ेंगे? रणनीति अभी हम जो है आज इस्तीफे के बाद जो है सभी भाई सभी पदाधिकारी जो थे सभी बैठ के हम बात करेंगे कि हमें जो है किसके साथ रहना है, किसको समर्थन करना है और इनके दिए हुए कैंडिडेट को हराने का काम करना है। जिस तरह से कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से हमारे साथियों को इग्नोर किया गया, जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ फतेहाबाद में एक प्रोग्राम था, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी यहाँ ही थी, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी यहाँ आए थे, लेकिन हमारे किसी साथी को निमंत्रण नहीं मिला। उससे हम सभी साथी क्रुद्ध थे और जिस तरह से टिकट वितरण हुआ और जिस तरह से हमारे नेता को बिल्कुल इग्नोर किया गया, उनके कहने के हिसाब से कोई टिकट नहीं दी गई, ना उनकी बात सुनी गई। हमने 10 जनपद तक जाके प्रदर्शन किया लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके बाद हमारी सारी टीम ने यह फैसला लिया कि हम कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं
और अंदर रहते हुए, क्योंकि हमारा चरित्र, हमारी नैतिकता इतनी कमजोर नहीं है कि हम अंदर रहते हुए विश्वासघात करके विरोध करें, इसलिए हमने फैसला लिया कि पार्टी को अलविदा करने के बाद ही पार्टी के जो द्वारा उतारेंगे उम्मीदवार हम उनका विरोध करेंगे। पूरे हरियाणा में विरोध करेगा जी, जहाँ जहाँ हमें शूट करेगा उनका विरोध करेंगे, जहाँ जहाँ हमें शूट नहीं करेगा, जो हमारे साथी हैं जो पार्टी के टिकट पर है हम उनका समर्थन भी करेंगे। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो क्या रहेगा? फतेहाबाद में बिल्कुल विरोध करेंगे, फतेहाबाद में करेंगे, टोहाना में करेंगे, रतिया में करेंगे। लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, लगभग 50 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, पदाधिकारियों ने, लोग उनके साथ कितने हैं वो 24 तारीख को पता चलेगा। कल हम दशहरा मनाएंगे, 21 तारीख को दिवाली मनाएंगे, 24 को फिर एक बार दिवाली मनाएंगे। कांग्रेस छोड़ी में कौन कौन शामिल है? हमने हमारे प्रदेश के महासचिव टेकचंद मिड्डा जी, हमारे प्रदेश के सचिव भाई सुभाष बिश्नोई जी, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई सुरजीत मेडल जी, हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला प्रधान भाई सतवीर खीचड़ जी, मैं पूर्व ब्लॉक प्रधान बट्टू कलाम बलजीत बेनीवाल, हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रधान कैप्टन बनवारी लाल जी, हमारे साथ हमारे मीडिया प्रभारी जिला के प्रवीण बिरडाना जी। कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है वो आपको 24 तारीख को पता चल जाएगा, 24 तारीख को आपको सब पता चल जाएगा। हमारे लगभग 45,000 वोट आए थे, अब आप समझो 20 आ जाए तो 85 दे देना, अगर 50 आ जाए तो हम आपको 85 दे देंगे। किस पर खेल रही है पार्टी पूरी हाईकमान, किस पर खेल रही है, क्या लगता है आपको? ये उंगली पर खेल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, इससे ज्यादा और क्या बोलूं इसको। जो यूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चला रहे हैं, जो चल रही है, हम ये इसी चीज का विरोध करते हैं। हमने पार्टी का विरोध नहीं किया, हमने पार्टी की लीडरशिप का विरोध नहीं किया कभी भी। आज भी हम सोनिया गांधी जी की और राहुल जी की आदर करते हैं, उनका उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये आंदोलन चलाया, पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी के विधायकों ने, पार्टी के लीडरशिप ने, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, पूरे 5 साल एक पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर खर्च कर दिए कि इसको हटाना है। हाँ, हमारी क्षमता है, फतेहाबाद में हम हरा सकते हैं, रतिया में हरा सकते हैं और टोहाना में हम हरा सकते हैं, जितनी हमारी